वेलकम इन मैथ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर से क्लास टेंथ का थ्योरम नंबर 1.6 और थ्योरम नंबर 1.7 को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.6। लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। एक्स कोई रेशनल नंबर है सच दैट पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, एक्स कोई रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, ठीक है, 5m नहीं 5 टू द पावर m, ठीक है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m है। क्यू का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। n m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। देन x has a decimal, x has a decimal expansion which terminates। थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q q इस फॉर्म का हो, ठीक है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, अगर q इस फॉर्म का होगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, ठीक है, यानी डेसिमल के बाद कुछ प्लेस के बाद जाकर वो स्टॉप कर जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 3/8, ये एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर q जो कि 8 है इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 क्यूब आएगा, फैक्टर में क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, 2 का पावर 3, ओके, जो कि इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, इसलिए ये जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में ये टर्मिनेट करेगा। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग होता है, तो अगर q इस फॉर्म का होगा तो क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। हम ये देखकर बता सकते हैं कि रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ q को देखकर हम बता सकते हैं, अगर q इस फॉर्म का आ जाता है तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 13/125, ठीक है, ये जो है q, जो है q का 5 का क्यूब होगा फैक्टर अगर करते हैं तो ये भी किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर भी क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। 7/80, ठीक है, इसमें हम q को फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5, ठीक है, इसलिए ये किस फॉर्म का है, 2 टू द पावर n इंटू 5 का m, इस फॉर्म का है, इसलिए ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है, जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे जैसे इसका, ठीक है, अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम इसे 5 का क्यूब करेंगे और नहीं इसे 5 का क्यूब करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 375 और ये हो जाएगा कितना, 1000, इसलिए कितना आएगा, 0.375। तो ये डेसिमल नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर q इस फॉर्म का होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, ये थ्योरम 1.6 है, ठीक है। थ्योरम नंबर 1.7, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, यानी कि x कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म का है, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। अब कह रहा है ये थ्योरम कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q जो है इस फॉर्म का नहीं है, q अगर इस फॉर्म का नहीं हो तो हम ये पता कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रेक्यूरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग होगा। जैसे यहाँ पर
एक रेशनल नंबर 1/7 है, ठीक है। यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू 7 है, जो कि इस फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग है, ठीक है। तो यही है थ्योरम नंबर 1.7 कि अगर कोई रेशनल नंबर हो पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू अगर इस फॉर्म का नहीं आता है तो हम देखकर ये समझ सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो ये था थ्योरम नंबर 1.6 और 1.7। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।